राष्ट्रीय आदिवासी मंच एवं माझी परगना लहती वैसी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन सिद्धू कानू पार्क के समीप किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद उपायुक्त के नाम एक आवेदन दिया गया। आवेदन के अनुसार राष्ट्रीय आदिवासी मंच आदिवासी समाज एवं आदिवासी संस्कृति के रक्षा एवं हितों के लिए अपने स्थापना काल से ही कार्यरत है। समाज के लोगों को दबे कुचले लोगों को उत्थान एवं न्याय दिलाने को लेकर काम कर रही है। आवेदन में कहा गया है कि पाकुड़ में उपद्रवियों के द्वारा मांझी थाने को घेरा गया एवं सरना धर्म के आदिवासियों को पूजा करने से वंचित किया गया तथा धर्मांतरण हेतु पिछले कई महीनों से धमकी देने एवं प्रताड़ित करने तथा धर्मांतरण करने का दबाव दिया जा रहा है। 9 नवंबर 2021 को गांव के मांझी सा राजस्व ग्राम प्रधान कालिदास किस को नेतृत्व में हिरणपुर थाना क्षेत्र के गांव रामाकूड़ा में 60 आदिवासियों भाइयों ने गांव के ही दबंग प्रवृत्ति के व्यक्त के साथ उनके सहयोगी मनवेल सोरेन, माइकल सोरेन, शिबू सोरेन, भाई सोरेन दिलीप किसको, देवीलाल किसको, मानवेल किसको द्वारा जबरन गांव के पूजा स्थल माझी थान को बांस से झरने तथा गांव के प्रकृति पूजा करने वाले आदिवासियों को धमकाने एवं जो भी उस बांस की बेड़ा को छुएगा जान से मारने की धमकी दी गई तथा धर्मांतरण करने का दबाव बनाया गया था। बाबूपुरवा के मुखिया के पति के द्वारा ये सब कार्य किया जा रहा है और वो ईसाई धर्मावलंबी हैं। यह सब सभी आदमी आदिवासी भाइयों को बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। हम सभी विवश हैं, ऐसा उन्होंने कहा, और सभी आदिवासी अपना आदिवासी सरना धर्म किसी भी हाल में प्रवर्तित नहीं करेंगे, यानी अपना धर्म वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बार बार धर्मांतरण हेतु ऐसी प्रताड़ना और धमकी मिलने से ये सभी आहत हैं एवं हम सभी में भय का माहौल है। उपायुक्त महोदय से आग्रह है कि ऐसे लोगों और अपराधियों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, ये जो मामला है हिरणपुर प्रखंड के रामाकुंडा गांव का मामला है, जहां पे ईसाई बने लोग हमारा जो जाहिर थान है उसको जो है घेर कर, हमारे लोगों माझी थान है उनको घेर कर जो है ईसाई बनने के लिए बोला जा रहा है, और जो लोग ईसाई नहीं बन रहे हैं उसको लोग मिल करके जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। तुमको जो है ईसाई बनना पड़ेगा, और नहीं बनिएगा तो आपको खेती बाड़ी करने नहीं दिया जाएगा, या गांव आप गांव से आपको हम लोग जो है बेदखल कर देंगे, आप लोग बाहर जाइए, गांव में नहीं रह सकते हैं, इस तरीके का हो रहा है। हम लोग बार बार इस मैटर को जो है ग्राम प्रधान के माध्यम से मांझी परगना लहंती वैसी जो है उस संगठन और राष्ट्रीय आदिवासी मंच के माध्यम से हम लोग थाना जो है हिरणपुर उनको उपायुक्त को SP को सभी जगह पत्राचार करने के बावजूद अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग जो है धरना में बैठे हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है सनी टोपो, राष्ट्रीय आदिवासी मंच प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पब्लिक अपना अभिव्यक्ति हर तरह से अभिव्यक्त करते हैं। जब थाना में इस संबंध में आवेदन आया कि रामाकुड़ा में ईसाई आदिवासी एवं गैर ईसाई आदिवासी जाहिर खान को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जैसे सूचना मिला हम लोग दल बल के इंस्पेक्टर सर के अगुवाई में वहां पर गए, देखे कि कुछ घेराबंदी हुआ है, उस सारे घेराबंदी को हम लोग विधिवत हटा दिए। लेकिन चूंकि ये कार्रवाई तत्काल की गई थी, हम लोग दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को मतलब गैदर करके और नहीं लिए थे, दोनों पक्षों में से किसी पक्ष को नहीं लिए और वहाँ पर जाकर के अपना कार्रवाई पुलिसिंग कार्रवाई करके वापस आ गए। उसी में से एक पक्षकार को लगा कि हम लोग को नोटिस तो मिला नहीं, क्यों दिया गया और पूर्व नियोजित ढंग से इसको क्यों नहीं हटाया गया, इस बात को लेकर के आवेदन देने वाले पक्ष जो है नाराज हो गए और रोज दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब ये सच्चाई है कि इसमें धार्मिक नेचर में आपराधिक मामला नहीं बनता है, तो थाना प्रभारी इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हमारे भी कानून में एक लिमिटेशन है कि बिना साक्ष्य का कभी भी हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और ये लोग जितने भी आरोप दे रहे हैं उन सारे के बारे में हम लोग बारी बारी से जाँच कर चुके हैं, लेकिन कभी भी उस आरोप का कोई साक्ष्य हम लोग को अभी तक नहीं मिला। मौके का आकर के थाना में बताए कि धर्मांतरण के लिए दबाव दिया जा रहा है।
लेकिन इन लोग को हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किए कि किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए, ठीक है। तो ये लोग सिर्फ वहाँ के जो मुखिया हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, कौन, जंतु सोरेन, जबकि हम लोग जांच किए तो पता चला कि धर्मांतरण में किसी प्रकार का दबाव अभी तक उसके द्वारा दिए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और जब बिना साक्ष्य नहीं मिला है तो एक मुखिया जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि को हम लोग अरेस्टिंग कैसे करें बिना साक्ष्य का। अच्छा सर, एक चीज, ये लोग अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।